आराध्य देव की चरणों में वंदन, आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, आचारांग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दी है, 6 चैप्टर प्रारंभ हो चुका है। तो 6 चैप्टर के अंतर्गत कल हमने प्रथम उद्देशक में 8 सूत्रों का वाचन किया था, आज हम 9वें सूत्र से वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। संति पाणा अंधा तमंसी विया हिया, संति पाणा अंधा तमंसी विया हिया। तमंसी का मतलब होता है अंधकार में, ये सप्तमी विभक्ति है। तमंसी अंधकार में, पाणा यानी प्राणी, अंधा संति अंधे होते हैं, विया हिया विहन कहा गया है, यानी अंधकार में प्राणी अंध होते हैं, ऐसा मिहायति मैंने कहा गया है। अंधकार में होने वाले प्राणी अंध कहलाते हैं। अंधकार भी 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य अंधकार, एक होता है भाव अंधकार। द्रव्य अंधकार का मतलब होता है जहां लाइट नहीं होती है, लाइट का प्रकाश नहीं होता है, वो द्रव्य अंधकार कहलाता है। जैसे नरक में घोर अंधकार है, वो द्रव्य अंधकार है, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। और ऐसे जनरल में हम देखते हैं जब रात को लाइट चली जाती है या रात आ जाती है, उसके बाद भी लाइट नहीं करते, दिया नहीं जलाते, तब तक जो अंधकार होता है वह द्रव्य अंधकार कहलाता है। और भाव अंधकार है मिथ्यात्व का अंधकार, जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है हमारे भीतर, वह है भाव अंधकार। तो अंध भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य अंध और भाव अंध। द्रव्य अंध का मतलब होता है जिनके आंखें नहीं होती है, वे द्रव्य से अंधे हैं। और भाव अंध का मतलब है जिनमें विवेक नहीं है, विवेक क्षमता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक रूपी जो चक्षु है वो नहीं है, वे भाव अंध अंधे होते हैं। तो द्रव्य अंध और भाव अंध, द्रव्य अंधकार और भाव अंधकार। तामेव संयम असंयम अति अच्च उच्चा वय फांसी पड़ी संवेदे संवेदेंती। तामेव मैंने उसी को, प्राणी उसी को, संयम का मतलब है एक बार, असंयम का मतलब होता है बार बार, एक या अनेक बार। अति अच्च ने प्राप्त कर, उच्चा वय फांसे तीव्र और मंद स्पर्शों का, स्पर्श का मतलब है कष्टों का, पड़ी संवेदेंती यानी बार बार अनुभव करते हैं। कर्म विपाक की अवस्था को एक बार या बार बार प्राप्त करके वो या तो तीव्र या मंद कष्टों का बार बार अनुभव करते हैं। बुद्धेहिम एयम पवेदेंती, बुद्धेहिम का मतलब है तीर्थंकरों ने इसका प्रतिपादन किया है, इसका मतलब है कर्म विपाक का प्रतिपादन किसने किया है, तीर्थंकरों ने किया है, अर्हतों ने किया है, कि जिस प्रकार के व्यक्ति कर्म का बंधन करता है उसी के अनुरूप उनको भुगतना पड़ता है। यदि कर्म बंध के समय हमारा परिणाम तीव्र होता है, उसका बंध भी तीव्र होता है। यदि हमारे भाव मंद होते, परिणाम मंद होते, तो कर्म का बंध भी लाइट होता, हल्का होता है। तो हमारे ऊपर है कि हमारे किस प्रकार के भाव होते, उसी के अनुरूप कर्म का बंध होता है। अनात्म प्रज्ञ पुरुष विषयों में आसक्त होते हैं, उन आसक्त पुरुषों के कर्म विपाक नाना प्रकार के होते हैं, यह तीर्थंकरों ने कहा है। उन्हें जो आसक्त होते हैं उनके नाना प्रकार के, उन्हें अनेक प्रकार के कर्म का फल मिलते रहते हैं, यह तीर्थंकरों ने कहा है। संति पाणा वासगा रसगा उदय उदय चरा आगास गामिनो। संति पाणा, पाणा यानी प्राणी, संति मन है, प्राणी के अनेक प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वासगा, वासगा का मतलब वर्षज, वर्षज का मतलब है वर्षा में उत्पन्न होने वाले या स्थल में उत्पन्न होने वाले। उदय, उदय का मतलब उदक यानी पानी, पानी में उत्पन्न, पानी भी जीव है, पानी जीव है एक इंद्री। उदयचरा, उदयचरा यानी पानी में उत्पन्न होने वाले, जैसे मत्स्य है, मेंढक है, मगरमच्छ है। आकाशगामी, आकाशगामी पक्षी, जो पक्षी कुछ होते उड़ते भी हैं और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जल में भी रहते हैं, जैसे बगुला होते,
वो पक्षी जल में रहते हैं। तो आकाशगामी का मतलब आकाश में उड़ने वाले पक्षी, और कुछ पक्षी होते हैं वो पानी में भी रहते हैं। पाणा पाणे किले संति, प्राणी प्राणियों को कष्ट देते हैं। किले संति का मतलब कष्ट देते, पाणे पाणा, पाणा यानी प्राणी, पाणा यानी प्राणियों को, किले संति यानी कष्ट देते हैं। यानी एक प्राणी है दूसरे प्राणी को कष्ट देते हैं। कभी कभी देखते थे, हम गांव में रहते थे, कभी डोगी बिल्ली के पीछे भागता था, क्योंकि डोगी जैसे बिल्ली को देखता उसके पीछे भागता। बिल्ली क्या करती, उन चूहे को झपटती, तो एक दूसरे को क्या करते, वो कष्ट देते रहते हैं। पास लोए महाभयम, पास यानी देख, लोयम ने लोक में, महाभयम महान भय है। तो देख संसार में अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे प्राणों प्राणियों के प्राणों का अपहरण करना कर्म बंध का हेतु होने के कारण महान भय है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे प्राणियों की हत्या करता है, उससे और अधिक कर्म का बंध होता है, वह कर्म बंध महाभयंकर होता है। बहु दुखा हु जंतवो, जंतवो यानी जीवों के, बहु दुख यानी नाना प्रकार के दुख होते हैं, यानी नाना यानी अनेक प्रकार के दुख होते, एक नहीं होते, अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो कौन से दुख होते हैं, उत्तराधीन सूत्र में कहा है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानी अहो दुखों संसारो जत की संति जंतो। इस संसार में दुख कौन से है, जन्म का दुख है, सबसे पहला दुख है जन्म का। दूसरा दुख है बुढ़ापा, क्योंकि जन्म होगा तो बड़े होने के बाद युवा अवस्था जब पार हो जाएगी, उसके बाद ओल्ड एज भी आएगी, ओल्ड एज भी बहुत बड़ा दुख है, और रोग भी दुख है, और मरण भी, मृत्यु भी दुख है। संसार में चार दुख सभी प्राणियों के, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिनको यह दुख न हो, संसारी प्राणियों के। जो मुक्त आत्मा है उनको ये कोई दुख नहीं है, न जन्म न जरा न रोग न शोक कुछ भी नहीं है, लेकिन जो संसारी प्राणी है, सभी प्राणी इन दुखों से गुजरते हैं, यानी सभी प्राणियों को ये दुख भोगने ही पड़ते हैं, जन्म का दुख, बुढ़ापा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख। यदि कोई कोई व्यक्ति युवा अवस्था में चले जाते तो उनको बुढ़ापा का दुख नहीं होता है, लेकिन प्राय प्राय सभी को ये दुख भोगने ही पड़ते हैं। सत्ता कामे ही मानवा, मानवा का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य कामे ही मैंने कामनाओं में, सत्ता यानी आसक्त होते हैं। तो रोगों का मूल क्या है, रोग हमारे शरीर में क्यों आते हैं, आसक्ति, जितनी हमारी आसक्ति यानी अटैचमेंट होता है, आसक्ति यानी आसक्ति जा नहीं सकती, इतनी आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है मनुष्य को किसके प्रति, काम के प्रति। जो पांचों इंद्रियों के काम है, विषय है, उनके प्रति व्यक्ति जितना अधिक आसक्त होता है उतने ही अधिक वो जन्म की, मृत्यु की, रोग की क्या करता है, वेदना भोगता है। तो जिनकी जितनी आसक्ति होती है उसके अनुरूप ही उनको भोगना पड़ता है उसका फल। अबलेण महम गच्छन्ति शरीरेण प्रभंगुरेण, उस शक्तिहीन और प्रभंगुर शरीर से ये व्यथा को प्राप्त होते हैं। प्रभंगुरेण का मतलब क्षण भंगुर, अबलेण का मतलब शक्तिहीन और क्षण भंगुर शरीर से, शरीर हमारा क्या है, क्षण भंगुर है और शक्तिहीन, शरीर शक्तिहीन और प्रभंगुर शरीर से वे क्या करते हैं, वहम यानी व्यथा को कच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं। कामासक्त शरीर क्या होता है, निर्बल होता है, जिसमें काम वासना ज्यादा होती उनका शरीर कमजोर हो जाता है। उस निर्बल और क्षण भंगुर शरीर से मनुष्य क्या है, व्यथा को प्राप्त होते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं। और पीड़ा का अनुभव क्यों होता है, जब व्यक्ति काम भोगों में आसक्त होता है। अट्टे से बहु दुखे इति बाले पगब भई, अट्टे का मतलब वेदना से पीड़ित मनुष्य का है, बहुत दुखे बहुत दुख वाला होता है। इति मैंने इसलिए, बाले पगब भई, वह अज्ञानी दृष्ट हो जाता है, पगब भई का मतलब है दृष्ट हो जाता है, मतलब जो अज्ञानी है, अज्ञानी यानी जो मिथ्यात्वी है, वह व्यक्ति क्या है, वेदना का अधिक अनुभव करता है। जो सम्यक्त्वी है उनकी वेदना होती है लेकिन उनमें समता होती है, इसीलिए वो वेदना को देखते हैं लेकिन वो भोगते नहीं, बस देखते हैं। जैसे अभी श्रेणिक राजा है, वो नरक में है, नरक में भयंकर दुख होते हैं, लेकिन उन दुखों के बीच भी उनकी इतनी समता है,
वहां भी उनको कोई कष्ट नहीं है, यानी समता है उनके भीतर। इसलिए नरक में होने पर भी सम्यक त्रिजीव सुखी होते हैं, और जो मिथ्या त्रिजीव होते स्वर्ग में होने पर भी वो दुखी होते हैं, क्योंकि कितना ही मिल जाए फिर भी उनको दुखी दुख लगता है। और सम्यक त्रिजीव होते वो संतुष्ट होते हैं, जो वेदना होती है उनको वो समता से सहन करते हैं। इसीलिए सम्यक त्रिजीव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नरक और स्वर्ग का, क्योंकि वो स्वर्ग में रहेंगे तो भी समता में ही रहेंगे, उन सुखों में भी वो आसक्त नहीं होंगे, और दुख आने पर भी वो प्रतिकूल वेदना होने पर भी वो उनके प्रति दुखी नहीं होते, उन दुखों को दुख देख करके वो भयभीत नहीं होते। वो सोचते हैं कि हमने ऐसे पाप कर्म का बंद किया था, आज हमें उनका फल मिल रहा है, इसलिए यदि हम समता से भोगेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जा होगी, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। यदि हम हाय तो वे करते रहेंगे और अधिक कर्म का बंध होगा। इसलिए सम्यक त्रिजीव क्या करते हैं, जो भी कर्म आते हैं उदय में उनको समता से भोगते हैं, वो हाय तोबा नहीं करते हैं। एते रोगे बहु अनच्चा आउरा परितावे, इस नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न हुआ जानकर आतुर मनुष्य दूसरे जीवों को परिताप देते हैं। आउरा का मतलब आतुर, परितावे ने परिताप देता है, एते मने इन रोगे ने रोगों को, बहु मने अनेक प्रकार के रोगों को, नच्चाने जान करके आउरा का मतलब आतुर मनुष्य परितावे दूसरे जीवों को परिताप देते हैं। नालम पास, पास ने देख, ये चिकित्सा विधियां पर्याप्त नहीं है। अलम का मतलब पर्याप्त, न मने नहीं है, मतलब जिनमें ऐसी चिकित्सा जिनमें ज्यादा हिंसा होती हो, तो ऐसी हिंसा वाली चिकित्सा करना क्या है, उससे और अधिक कर्म का बंध होता है। तो जो मनुष्य क्या करता है, जिनमें ज्यादा हिंसा होती है उन चिकित्सा को वह अपनाता नहीं है। जो साधु होता है तो साधु के लिए कहा गया है, जिनमें ज्यादा हिंसा होती हो, जिसमें नॉन वेज मिला हुआ हो, ऐसी दवा साधु को खाना कल्पता नहीं है, क्योंकि एक रोग को शांत करने के लिए भी दूसरे जीवों की हिंसा होती है तो वापस नए कर्म का बंध होता है। कई लोग बोलते हैं कि हम इतना उपचार कराते हैं उसके बावजूद भी हमारा रोग ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक रोग को ठीक करने के लिए आप दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं। तो जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक रोग शांत नहीं होगा। तो रोग शांत कब होगा, जब हमारे कर्म जो बंधे हुए हैं वो जब झड़ जाएंगे तब आप रोग से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आप तो क्या करते हैं, रोगों को शांत करने के लिए चिकित्सा कराते हैं। वो चिकित्सा तो चलो करानी पड़ती है, लेकिन ऐसी चिकित्सा ना कराए जिसमें ज्यादा पाप कर्म का बंध होता हो, जिसमें नॉन वेज हो, जिसमें जीवों की हिंसा अधिक होती हो, वैसी चिकित्सा साधु को कलपती नहीं है। श्रावक भी ध्यान दे सकते हैं कि जिसमें ज्यादा हिंसा हो वैसी हम मेडिसिन ना लें। आप चेक करके ले सकते हैं, इसमें नॉन वेज तो मिला हुआ नहीं है। कई कैप्सूल होती है, उसके जो कवर होते हैं प्राय प्राय जेलेटिन जो होते हैं वो नॉन वेज के होते हैं, तो आपको अगर खानी पड़े तो उस कवर को उतार करके अंदर की जो मेडिसिन होती है उसको ले सकते हैं, अगर जरूरत है तो। अगर हो सके तो बिना कैप्सूल वाली दवा ले तो उसमें कम हिंसा होती है, क्योंकि उसमें जेलेटिन भी होता है। अलम तवे एहिम, इन चिकित्सा विधियों का तो परित्याग कर, यानी साधु के लिए कहा गया है कि जिनमें ज्यादा हिंसा होती हो ऐसी चिकित्सा विधि जो है उनको न तो लेना चाहिए न देना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, हिंसक चिकित्सा को अपनाना नहीं चाहिए। एम पास मुनि महभयम, पास यानी देखो, एम मने यह क्या है, हिंसा मूलक चिकित्सा महभयम, महान भय उत्पन्न करने वाली होती है। जिसमें हिंसा ज्यादा होती है उससे क्या होता है, महान भय होता है, यानी रोग जब आता है तो क्या होता है, असात वेदने कर्म का उदय होता है तब रोग आता है। लेकिन असात वेदने को दूर करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मेडिसिन देता है, लेकिन मेडिसिन कैसी होती, हिंसा से बनी हुई होती है, वो रोग शांत नहीं करता है, उनके नए कर्म बंद करता है, वह कर्म बंद क्या होता है,
महान भय वाला होता है। रोग असात विभिन्न कर्म के विपाक में हेतु बनते हैं। उन रोगों के उपशमन के लिए हिंसा जनित पुनः कर्म बंद करना यह महान भय है। विषय का निगमन करने के लिए कहते हैं नाथि वायज्य कंचनम। मुनि चिकित्सा के निमित्त भी किसी प्राणी का वध न करे। चिकित्सा के निमित्त भी किसी प्राणी का, ऐसे तो मुनि को करना ही नहीं, लेकिन सपोज चिकित्सा करानी पड़े फिर भी वो किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। इसीलिए संयमी मुनि रोग के प्रतिकार के लिए किसी भी प्राणी का वध न करे। आयान भो सुसुस्स भो धूये वादम पवे दैस्सामी। आयान भो सुसुस्स भो धूये वादम पवेद इस्सामी। भो हे मुने तुम जानो, तुम सुनने की इच्छा करो। धूये वादम पवेद इस्सामी, मैं धूत वाद का निरूपण करूंगा। हे मुने तुम जानो और सुनने की इच्छा करो, मैं धूत वाद का निरूपण करूंगा। धूत का अर्थ है तपस्या की पद्धति। धूत का अर्थ होता है, कल हमने बताया था, धूत का मतलब है शोधन करना, शुद्धि करना। तो शुद्धि भी दो प्रकार की बताई थी आपको, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि। धूल जो कपड़े पे लग जाती है उसको झाड़ना, वो तो द्रव्य शुद्धि है। और आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं उसको दूर करना, झाड़ना, वो है भाव शुद्धि है। तो धूत का मतलब है तपस्या की पद्धति। तो विभिन्न प्रकार के कर्मों की निजा के लिए विभिन्न प्रकार की तप पद्धतियां निर्दिष्ट है, यानी बताई गई है। मतलब कर्मों की निर्जा करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं तपस्या की। और मुख्य रूप से जैन धर्म में 12 प्रकार की तपस्या, निर्जा का जो भेद है वही तपस्या का भेद है। तो 12 प्रकार से हम निर्जा कर सकते हैं। अनशन, उनोद्री, भिक्षा, चरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसन्नता, प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर्ग, ये 12 प्रकार है। इन 12 प्रकारों में से हम सुबह से शाम तक चिंतन करें सोते समय, 12 प्रकारों की निर्जा में से आज हमने कितनी निर्जा की। अनशन किया, अनशन नहीं किया तो उनोद्री की, भिक्षाचरी यानी अभिग्रह करना, और ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। कौन कौन से आपने उनमें से निर्जरा के, जो 12 प्रकार है उनमें से कौन कौन से हमने निर्जरा की, और सोते समय हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आज मैंने 5 निर्जरा की 12 प्रकार में से, तो कल मैं 7 करूंगा, फिर 8 करूंगा, ऐसे करके कभी कभी एक दिन ऐसा भी रखना चाहिए कि आज मैं 12 प्रकार की जो निर्जरा है 12 प्रकार की निर्जरा करूंगा। तो 12 प्रकार की निर्जरा तो तब हो सकती है जब आप उपवास करते हैं। अनशन का मतलब उपवास करना, उपवास आदि तपस्या करना, उपवास आदि जो भी तपस्या होती है वो अनशन में आता है। उनोद्री का मतलब होता है भूख से थोड़ा कम खाना, यानी सपोज आपको 4 फलके की भूख है, आप 3.5 फलके खाते हैं तो थोड़ी आपकी उनोद्री होगी, अनशन उनोद्री। भिक्षाचरी का मतलब होता है जो रस दूध, जो 6 प्रकार के जो विगय होते हैं, तो विगय का त्याग करना। कभी कभी हम 6 प्रकार की जो विगय है, दूध, दही, घी, तेल, गुड़, ये जो 6 प्रकार की विगय है उनका कभी कभी हम त्याग कर सकते हैं। रोज नहीं तो अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णम, अमावस्या, जो मुख्य दिन होते उन दिनों में हो सके तो उपवास करें। उपवास नहीं कर सकते एकासन करें, आमिल करें, वो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उस दिन हम कोई विगय नहीं खाएंगे, निर्विगय, यानी सब्जी भी खाएंगे तो बिना छोके खाएंगे, फलके भी खाएंगे रुखे फलके खाएंगे। एक दिन ऐसा भी आप कर सकते हैं। अनशन उनोद्री भिक्षाचरी रस परित्याग। अच्छा, रस परित्याग में 6 विधि का त्याग आ जाएगा, और भिक्षाचरी में तो विविध प्रकार की भिक्षा लेने की विधि होती है। और अनशन उनोद्री भिक्षाचरी रस परित्याग। काय क्लेश, काय क्लेश का मतलब आसन, आसन आदि से शरीर को तपाना, यानी आसन करने, एक्सरसाइज जो करते हैं, कई लोग बॉडी के लिए करते हैं कि बॉडी मेंटल रहे उसके लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कर्मों की निजरा हो रही है, कर्मों की निजरा के लिए हम एक्सरसाइज भी करें। काय क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रतिसलिनता का मतलब इंद्रिय और मन को वश में रखना। प्रायश्चित का मतलब दोष विशुद्धि का उपाय, यानी कोई भी दोष हमें लग गया तो हमें क्या करना, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सपोज सामायिक आपका कालमान 48 मिनट का है, आपने पहले पूरी कर दी तो उसमें भी थोड़ा दोष लग गया तो उसका प्रायश्चित कर ले।
सपोज कभी कभी किसी को सामायिक में भी टॉयलेट जाना पड़ता है तो उसका प्रायश्चित कर ले, या आपने मौन कर लिया, मौन भूल से आपने तोड़ दिया, वापस उनका प्रायश्चित करे कि आज मैंने मौन का प्रत्याख्यान किया था लेकिन मैं भूल से मैंने मेरा टूट गया है तो मुझे प्रायश्चित गिराए, तो प्रायश्चित लेना होता है। कोई भी मिस्टेक हो जाए उनके लिए हमें प्रायश्चित लेना होता है। वैयावृत्ति का मतलब सेवा करना, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अपनी आत्मा का स्वाध्याय करना, यानी अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, वो भी कर सकते हैं और शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकते हैं। वैयावृत्ति स्वाध्याय, ध्यान, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, स्वाध्याय ध्यान और कौशल, कौशल का मतलब कायोत्सर्ग करना, यानी वेद विज्ञान का चिंतन करना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसे करके नीरजरा के 12 प्रकारों की चर्चा मिलती है। आगमो में यह खलु अत्तताये तेहिं तेहिं भूलेहिं अभिसेन अभिसंभूता अभिसंजाता अभिनिवट्टा अभिसंगुणा अभिसंबुधा अभिनिखंता अनुपुब्बेण महामुनि। मनुष्य नाना कुलों में आत्मभाव से प्रेरित हो शुक्र शोणित के निषेक्ष उत्पन्न होते हैं, अर्बुद और पेशी का निर्माण करते हैं, अंग उपांग के रूप में विकसित होते हैं, जन्म प्राप्त कर बढ़ते हैं, संबोधि को प्राप्त होते हैं और संबुद्ध होकर अभिनिष्क्रमण करते हैं, इस क्रम से महामुनि बनते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जन्म कैसे होता है मनुष्य का और उसके बाद वो कैसे महामुनि बनते हैं, यानी मानव से महामुनि की प्रक्रिया इसमें बताई गई है कि मानव कैसे उत्पन्न होता है, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शुक्र और शोणित, यानी पिता का तो शुक्र होता है और माता का शोणित यानी ब्लड होता है। सबसे पहले जीव गर्भ में आता है तो माता से तो ब्लड ग्रहण करता है, पिता का शुक्र यानी वीर्य ग्रहण करता है, तो उससे उत्पत्ति होती है। तो 7 दिन तक तो वो लिक्विड के रूप में रहता है जीव, उसके बाद 7 दिन के बाद अर्बुद का मतलब मांस बनता है, एकदम मांस जैसा बन जाता है, उसके बाद पेशी बनती है, मांस पेशी बनते पेशे बनते, उसके बाद धीरे धीरे उनके जो मांस हो गया फिर पेशी हो गई, फिर अंग और उपांग निकलना शुरू हो जाते हैं, आंखें कान नाक ये जो हमारे अंग और उपांग, हाथ पैर, वो धीरे धीरे करके एक एक अंग विकसित होते हैं। और फिर जैसे ही 9 महीना पूरा हो जाता है तो बच्चा क्या होता है, गर्भ से बाहर आ जाता है और उसके बाद जो भव्य आत्मा होते हैं वो उपदेश को प्राप्त होते हैं, संबोधि को प्राप्त होते हैं, फिर वो अभिनिष्क्रमण करते हैं यानी दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस क्रम से वो मानव से महामुनि की यात्रा करता है, यानी पहले वो मानव के रूप में उत्पन्न हुआ, उसके बाद दीक्षा का भाव हो गया तो क्या किया, दीक्षा ग्रहण कर ली। तो हर किसी को दीक्षा की इच्छा नहीं होती, दीक्षा की इच्छा भी हो जाए लेकिन माता पिता का मुंह होता है तो माता पिता क्या करते हैं, सूत्र में बताया है, तम परक्कमंतम परिदेव माणा माणे जयाही इति ते वदंती छंदो वणिया अजो वन्ना अकंदकारी जनगा रुवंते। वह संबुद्ध होकर संयमी गतिशील होता है तब उसके माता पिता विलाप करते कहते हैं तुम हमें मत छोड़ो, क्योंकि माता पिता का अपने संतान के प्रति मोह होता है। शादी करते हैं तब तो उनको कोई दुख नहीं होता है लेकिन दीक्षा लेते हैं तब उनको लगता है कि अब हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है जब दीक्षा लेते हैं, ये तो मैंने भी अनुभव किया है, क्योंकि जब मैं दीक्षा ले रही थी उस समय जब ये मुंडन होता है, बाल कटिंग का दृश्य होता है, बड़ा करुण होता है, सबको उसको देख करके रोना आ जाता है और माता पिता को तो सबसे ज्यादा होता है, फूट फूट के वो तो रोने लगते जैसे कोई मृत्यु हो गई हो। मेरे को भी बोलना पड़ा माँ मत रो, तो मैं मर नहीं गई, मेरे को आशीर्वाद दो, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल होता है कि हर किसी को भी रोना आ जाता है। तो माता पिता बहुत विलाप करते हैं कि तुम हमें मत छोड़ो, हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने वाले ही, तुम्हारे प्रति हमारा ममत्व है, इस प्रकार आक्रंदन करते हुए वे रुदन करते हैं। उसमें यदि व्यक्ति फिसल जाता है तो वो दीक्षा नहीं ले सकता, उस समय वो जो दृढ़ रहता है, संकल्प पक्का होता है, वो
माता पिता का जो मोह होता है उसको छोड़ करके वो दीक्षा ले सकता है। तो माता पिता को थोड़ी दिन के लिए होता है मोह, उसके बाद धीरे धीरे उनका मोह भी कम होता जाता है, फिर माता पिता को भी अच्छा लगता है तो आपने जो काम किया है वो अच्छा है। पहले तो उनको कष्ट होता है लेकिन बाद में देखते हैं कि तुमने जो काम किया है वो अच्छा है। जैसे हमारे माता पिता भी कहते थे, पहले हमें मौत लगता था लेकिन अभी हम आपको देख करके हमें आनंद की अनुभूति होती है कि आप बहुत सुखी हैं, अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं, पिन्नाणम तारणम कर रहे हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी है कि हमने भी ऐसी संतान को उत्पन्न किया है। अतारिषे मुनि नो ओहन तरे जनगा चेण विपजा, वे कहते हैं ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है न संसार सागर का पार पा सकता है जिसने माता पिता को छोड़ दिया है। माता पिता क्या करते हैं, अपने संतान को विचलित करने के लिए कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ना मुनि हो सकता है, यानी माता पिता को छोड़ देता है वह मुनि नहीं हो सकता, यदि मुनि भी हो गया तो संसार सागर का पार नहीं पा सकता है। जिसने माता पिता को छोड़ दिया है वह संसार का पार नहीं पा सकता है और मुनि भी नहीं हो सकता। ऐसे माता पिता क्योंकि उनका अपना संतान के प्रति मोह होता है इसलिए वो रोते रोते कुछ भी बोल सकते हैं, रुदन करते हुए मे माता पिता आदि कहते हैं, जिसने माता पिता को छोड़ दिया है वह न मुनि होता है और न ओघंतरे संसार समुद्र का पारगामी होता है। शरणम तत्थनो समेति किह नाम से तत्थ रमति, वह उसकी शरण में नहीं जाता। किस नाम से तत्थ रमति, ज्ञानी पुरुष गृहवास में कैसे रमण करेगा। जिसके पास ज्ञान है उनको गृहवास यानी जो संसार है गृहस्थावस्था है उनका मन नहीं लगता है। संयम में पराक्रम करने वाला वह पुरुष माता पिता का आक्रंदन सुनकर उनकी शरण में नहीं जाता। वह काम भोगों से विरक्त व्यक्ति गृहवास में कैसे रमण करेगा, धृति कैसे रख पाएगा। क्योंकि जिनका मन संयम के लिए तैयार होता है, संयम में पराक्रम होता है, वो माता पिता कितना ही रोदन करे रुदन करे फिर भी उनके पास नहीं जाएगा। वह क्या करेगा, क्योंकि काम भोगों से उनका मन उठ गया है, विरक्त हो गया है, इसलिए उनका मन घर में कभी भी रमण नहीं कर सकता है। वो इतना धैर्य भी नहीं रख सकता है कि कब तक हम घर में रहे, क्योंकि भगवान महावीर ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हमारे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन सभी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि भगवान महावीर तो अधिक ज्ञानी थे, उनको पता था इतने समय तक माता पिता रहने वाले हैं, वो प्रतिज्ञा कर सकते हैं। यदि हम भी प्रतिज्ञा करें तो पता नहीं माता पिता कब तक रहे, कब हमें दीक्षा मिले, फिर तो उम्र भी बीत जाती है, इसीलिए हर कोई नहीं कर सकते। तो तीर्थंकर की आत्मा थी, महान आत्मा थी, तो वो ऐसे संकल्प कर सकते हैं। एयम नाणम सया समणु वासित जासित तिबेमी, उन्हें इस ज्ञान का सदा सम्यक अनुपालन करे ऐसा मैं कहता हूँ। दो गतियां हैं, एक है सामाजिक संबंधों को विस्तार देने वाली, दूसरी आत्मा का अनुसंधान करने वाली। जो आत्मा का अनुसंधान करने के लिए उद्यत है, अनुसंधान यानी आत्मा की खोज के लिए उद्यत है नहीं तत्पर है, उन्हें आत्मा को छोड़कर किसी के साथ भी संबंध नहीं करना चाहिए और न कहीं शरण की खोज करनी चाहिए, उन्हें केवल आत्मा में ही रमण करना चाहिए। इस परम तत्व का उपदेश भगवान महावीर ने यहाँ दिया है ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी से बता रहे हैं, ये उपदेश है भगवान महावीर ने दिया है, जैसा उपदेश उन्होंने दिया है वैसा ही मैं आपको बता